हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वीट होम किचन SHK। आज हम आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आए हैं। 5 स्टार की रेसिपी देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। 1/2 कप डबल बॉइल्ड मिल्क या फ्रेश क्रीम लें। अब कोई भी टिन या रेक्टेंगुलर बॉक्स लें। इसमें इस तरह से बटर पेपर अरेंज करें। अब इसे साइड में रख दें। अब एक पैन में 1 कप चीनी ले, फ्लेम ऑन करें। हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसे कंटिन्यूसली स्टिर करते रहिए। इसे पूरी तरह से मेल्ट होने दें। अब हमारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसमें 1/2 कप जितना डबल बॉयल किया हुआ दूध या फ्रेश क्रीम ऐड करें। इसे कंटिन्यूसली स्टिर करते रहिए। गाढ़ा पड़ने तक इसे स्टिर करते रहिए। अब फ्लेम ऑफ कर ले। इसे कंटिन्यूसली स्टिर करते रहिए। इसे लगातार अच्छी तरह से मिक्स करते रहिए। देखिए, हमारी 5 स्टार का कैरमल तैयार है। इसे साइड में रख दें। अब एक बाउल में 2 कप जितनी मिल्क चॉकलेट या डार्क चॉकलेट ऐड करें। हमने यहाँ पर 250 ग्राम्स मिल्क चॉकलेट ली है। अब इसे एक डबल बॉयलर पर रखकर अच्छी तरह से मेल्ट करें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। देखिए, हमारी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दें। अब इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्न सिरप ऐड करें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। इसे धीरे धीरे कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स करें। इसे ओवर मिक्स न करें। गाढ़ा पड़ने के बाद इसे मिक्स करना बंद कर दें। अब इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। अब हम हमारी टिन को इवनली ग्रीस करेंगे। अब इसमें तैयार की हुई चॉकलेट का 1 पोर्शन रखें। इसे इसमें इवनली स्प्रेड करें। अब इसे साइड में रख दें। अब तैयार किया हुआ कैरमल ले। इसे इस तरह से स्ट्रेच एंड फोल्ड करें। इसे 8 से 10 बार इस तरह से स्ट्रेच एंड फोल्ड करें।
अब इसे चॉकलेट वाली टिन में इस तरह से अरेंज करें। इसे प्रेस करते हुए अच्छी तरह से स्प्रेड करें। अब बाकी का चॉकलेट का पोर्शन इसमें ऐड करें। इसे इवनली स्प्रेड करें। अब इसे हल्का प्रेस करते हुए अच्छी तरह से स्प्रेड करें। अब इसे रेफ्रिजरेट कर लें। अब इसे टिन में से निकालें। एक नाइफ की मदद से इसे इस तरह से कट करें। अब हमारी 5-स्टार चॉकलेट लगभग तैयार हो चुकी है। अब हम इसे चॉकलेट से कोट करेंगे। एक बाउल में 2 कप जितनी चॉकलेट मेल्ट करें। अब हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब तैयार की हुई चॉकलेट को मेल्ट की हुई चॉकलेट में डिप करें। अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। इसी तरह बाकी के चॉकलेट्स को भी मेल्ट की हुई चॉकलेट से कोट कर ले। हमने 5-स्टार चॉकलेट को टेक्सचर देने के लिए मेल्ट की हुई चॉकलेट को इस तरह से लगाया है। हमारी होममेड 5-स्टार चॉकलेट तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इस रेसिपी को घर पे ट्राई करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe to our channel.